तो गाइस सब कैसे हो, मैं हूँ नौ नौ रिटेलर नए चैनल पर आप लोग का एक बार स्वागत। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एपीएस बिजनेस का टॉप फाइव गुड साइड, जो कि पिछले एक वीडियो में मैंने टॉप जो भी एपीएस बिजनेस का टॉप फाइव जो बैड साइड है वो मैंने आप लोग को बताया, जो कुछ बुराई था जो मैंने आप लोग को बताया था, बट कुछ प्रॉब्लम था जो मैं आप लोगों को बताया था। बट आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ अच्छाई एपीएस बिजनेस का, कुछ अच्छाई भी है जो फाइव मतलब गुड साइड मैं आज आप लोग को बताऊंगा। तो जो भी लोग एपीएस बिजनेस करना चाहते हो या कर रहे हो या न्यू रिटेलर हो, आप लोग के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान के रखो, आपको भी बहुत ज्यादा फायदा आएगा। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जो ऑलरेडी कर चुके बहुत-बहुत धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस देखो, एपीएस बिजनेस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसमें आप किसी भी कस्टमर का आधार के माध्यम से किसी भी बैंक का पैसा आप विड्रॉल करके दे सकते हो, अगर उस कस्टमर का बैंक के साथ आधार कार्ड लिंक है। तो ये है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो इसमें देखो जो भी कुछ अच्छा चीज है जो मैं आप लोग को एक एक करके बता देता हूँ। देखो बहुत सारा अच्छा चीज़ है जिनमें से मैंने सिर्फ पांच को सिलेक्ट किया जो कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आते हर एक न्यू रिटेलर, हर एक न्यू जो एपीएस बिजनेस कर रहे होगे। इसमें से मेन जो है आपका जो शॉप है, आपका जो शॉप है वो एक बैंक या एटीएम पर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि आपको अगर मान लो आपका पहले जेरोक्स शॉप था उसके साथ अगर आप एपीएस बिजनेस को करोगे तो एक जेरोक्स के साथ साथ लोग बोलेंगे कि एटीएम या बैंक भी लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जाएंगे तो हम आपका हमारे जो पैसा वो विड्रॉल कर सकते हैं, अगर बैंक बंद है फिर भी हम यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, लोगों को इस तरह से लगता है। तो यहाँ पर आपका जो शॉप है वो एक बैंक पर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि मेन एंड सबसे बेस्ट चीज़ बोल सकते हो। दूसरा जो है यहाँ पर जो कस्टमर है आपका, आप अगर पहले किसी काम कर रहे थे किसी आदर्स बिजनेस था, वहाँ पर जो भी कस्टमर था वो कस्टमर ज़्यादा हो जाएगा, उसके जो भी आपका पहले कस्टमर था वो कस्टमर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगा। क्योंकि मान लो जो कस्टमर आपके पास पैसा उड़ोल, तो कोई पैसा उड़ोल का बात जब आते हैं ना, तो यहाँ पर आप दुकान किसी भी जगह से लगाओ, कहाँ पर भी दुकान हो आपका दुकान चलेगा। ये एक एपीएस बिजनेस का बहुत ही अच्छा चीज़ बोल सकते हो, जो कि आपका जो भी शॉप है पहले जो भी बिजनेस था वो बिजनेस ग्रो होगा, क्योंकि आपके पास जो भी पैसे उड़ोल करने के आएगा तो आपका जो भी आधा सर्विस रहेगा उस सर्विस को भी यूज़ करके। एग्जाम्पल मैं अगर बताऊँ कि आपका मान लो कोई मतलब मैं बता, अगर जेरोक्स का शॉप है, मैं नॉर्मली बताता हूँ, कोई जेरोक्स का शॉप है वहाँ पर अगर करते हो तो कस्टमर आपके पास आया, कस्टमर को जो भी अभी स्कीम चल रही है उसके लिए मान लो कुछ जेरोक्स का ज़रूरत है, तो वो आपके पास आएंगे, आपका देखेगा कि जेरोक्स मशीन वगैरह है, लैमिनेशन वगैरह हो, तो जो भी उसका चीज़ है वो काम भी आपके पास ही करेगा। तो इस तरह से आप जो भी बिजनेस है वो ग्रोथ होता है, जो कि एपीएस बिजनेस के लिए, जो कि इसका दूसरा पॉइंट है। इसके बाद तीसरा जो है, इनकम बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। देखो यहाँ पर पहले जो भी इनकम, देखो कस्टमर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, ये नॉर्मल सी बात है। तो दूसरा पहले जो था वो आपका शॉप आपका बैंक पर या एटीएम पर कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरा यहाँ पर कस्टमर ग्रोथ होते हैं, तो कस्टमर जब ग्रोथ होता है तो इनकम भी आपका ग्रोथ होता है। तो इनकम के साथ साथ यहाँ पर एपीएस में जो काम करते हो यहाँ पर बस थोड़ा बहुत ज़्यादा इनकम यहाँ पर नहीं होता है, नॉर्मल सी बात है, बट थोड़ा बहुत इनकम हो जाते हैं। जैसे कि आपको मैक्सिमम 10 रुपीज़ तक एपीएस विड्रॉल पर कमीशन मिल जाते हैं, साथ में आप कस्टमर से आपके हिसाब से जो भी आपके मार्केट में जो भी कम चार्ज है वो चार्ज आप पे ले सकते हो, जो आप पर थोड़ा बहुत इनकम हो जाते, तो थोड़ा बहुत भी अगर बढ़े तो एक बहुत बढ़िया हो सकते। तो तीसरा इनकम बहुत ज़्यादा हो जाते। तो उसके बाद हो जाते, अब इनकम जब बढ़ते तो इनकम बढ़ते सेल के लिए, तो चौथा जो है आपका जो भी प्रोडक्ट जो मैंने एक बार बता दिया था, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा होमवर्क पर डिस्कस मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो सेल भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो जब आपका एपीएस बिजनेस ग्रो होने लगा तो आप किसी आदर्स बिजनेस के साथ भी जोड़ सकते हो, उसके बाद आपका जो भी प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट आपके पास है तो उसे भी आप सेल कर सकते हो, जहाँ पर भी अच्छा खासा इनकम होता है। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ पैन कार्ड का, तो पैन कार्ड का आप अच्छा खासा काम कर सकते हो, जो भी लोग एपीएस में काम करते हैं, अगर आप पैन कार्ड का रिटेलर आईडी लेना चाहते हो तो हमसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो, बिल्कुल फ्री में आप लोगों को पैन कार्ड का रिटेलर आईडी मिल जाते, आप पैन कार्ड का काम कर सकते हो, जो कि इस तरह का और भी बहुत सारा काम है जो आपके जो ऑलरेडी बिजनेस है एपीएस बिजनेस कार्ड उसके साथ आप जोड़कर यहाँ पर आपके शॉप को या आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ आपका जो पांचों नंबर पॉइंट है मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जो कि है आपको कभी भी बैंक मतलब डिपॉजिट करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बैंक मतलब बैंक आप लोगों को नहीं जाना पड़ता, क्योंकि पहले आप देखोगे जो भी बिजनेस कर रहा था उसका जो भी आप अगर ऑनलाइन का काम करते थे, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते, तो आपको पैसा डिपॉजिट करने के लिए बैंक जाना पड़ता था, बैंक पर लाइन देना पड़ता था, उसके बाद फॉर्म वगैरह फिलअप करके आप लोगों को पैसा डिपॉजिट करना पड़ता था, बट अभी वो आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि आपके पास जो पैसे उड्डल हो गया वहां से काम कर सकते हो। बाकी आपको जब भी पैसे का जरूरत होगा आप ATM वगैरह से उड्डल करके ले आ सकते हो। तो लेने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, बट जब पैसे डिपॉजिट करने जाते हो तो वहाँ पर टाइम वगैरह का बहुत ज़्यादा दिक्कत लगता है, लाइन वगैरह धरना पड़ता है, क्योंकि डिपॉजिट आप ATM वगैरह से नहीं कर सकते, डिपॉजिट आपको बैंक पर ही जाना पड़ता है, बट आप विड्रॉल ATM वगैरह से विड्रॉल कर सकते हो। जहाँ पर मैंने पाँचों जो चीज़ बताई, एक गुड साइड बोल सकते हो, एक अच्छा ही दिख APS बिजनेस में, जहाँ पर जो मेन है आप पाँचों को जोड़ दोगे, इसमें भी जो मेन है कि आप जो भी बिजनेस करो उसके साथ अगर APS को जोड़ोगे तो APS बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। APS नहीं, आपका जो ऑलरेडी रनिंग बिजनेस था वो और भी ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, और जब ग्रो हो जाते तो इनकम भी बढ़ते हैं, और इनकम बढ़ते तो बिजनेस करने का मज़ा ही कुछ अलग से हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ आपको APS सिर्फ और सिर्फ APS बिल्कुल भी मत रखना। APS बिजनेस जब करोगे किसी अदर्स बिजनेस के साथ करो, या अगर अदर्स बिजनेस है तो उसके साथ APS जोड़ सकते हो। तो जो भी डिटेल्स था शायद मैंने बताया कुछ मिस हो गया तो माफ कर देना। आज के लिए नहीं, थैंक्स फॉर वाचिंग, जनवन वर, थैंक यू, बाय बाय।